मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न इन ईवीएस चैप्टर 7 आवर नीड्स. ओके, हमने जी एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम एक्सरसाइज करेंगे एच. कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एच. ओके, तो एच इसमें हमें क्या करना है? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. हमें जो ये सेंटेंसेस है, क्वेश्चंस है, इनके लिए हमें वन वर्ड में आंसर देना है, है ना? ये है नंबर वन, इज एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड दिस टू ब्रीथ. एनिमल्स जानवरों को और इंसानों को, ठीक है, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. किसमें सांस लेते हैं? ब्रीथ किसमें लेते हैं? एनिमल्स एंड लोग, इंसान किस में ब्रीथ लेते हैं? एयर में, हवा में, है ना? सो राइट हियर एयर, ए आई आर, एयर. ठीक है, आप यहां लिखेंगे एयर. नंबर टू इज वी ड्रिंक दिस टू स्टे अलाइव. हम जीवित रहने के लिए पीते हैं. क्या पीते हैं हम जीवित रहने के लिए? वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. We drink water to stay alive. We drink water to stay alive. हम जीवित रहने के लिए पानी पीते हैं. Number three is R A I N, rain. P O N D, pond. R I V E R, river. A N D and O C E A N S, oceans. A R E R. रेन, पोन, रिवर एंड ओशियंस आर क्या है? ये हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर. एस ओ यू आर सी ई एस, सोर्सेस. ओ एफ ऑफ, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. ये हमारे क्या है? पानी के स्रोत. इनसे हमें पानी मिलता है, ठीक है. रेन, बारिश आती है तब हमें पानी मिलता है ना? पोंड से, तालाब से, रिवर, नदियों से, ओशन, समुद्र से, इन सब से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है. दीज आर अवर सोर्सेज ऑफ वाटर. दीज आर अवर सोर्सेज ऑफ वाटर. ये हमारे पानी के स्रोत होते हैं. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? राइट हियर सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ नंबर फोर्थ इज वी वेयर देम टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब चेंज, मौसम चेंज होते रहते हैं, तो हम मौसम के अकॉर्डिंग हमारे क्लोथ्स भी चेंज करते हैं. जैसे हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रेन में, रेनी डेज में हम क्या पहनते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, है ना? तो वी वेयर देम, तो ये सब किस में आते हैं? क्लोथ्स में. तो हम जैसे मौसम चेंज होता है तो हम क्या पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्लोथ्स, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लोथ्स. सो राइट हियर क्लोथ्स. नाउ नंबर फिफ्थ इज टी एच आई एस दिस, आई एस इज अ एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल. डी आर ई डबल एस, ड्रेस. दिस इज अ स्पेशल ड्रेस. स्पेशल ड्रेस कौन सी होती है? यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. सो राइट हियर यूनिफॉर्म. लाइक दिस, जैसे स्टूडेंट्स है तो वो क्या पहनते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म. डॉक्टर है, वो डॉक्टर की ड्रेस वेयर करते हैं. पुलिसमैन है, वो पुलिस की ड्रेस वेयर करते हैं, है ना? ऐसे सभी अपने 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 पद के हिसाब से वो ड्रेसेस वेयर करते हैं. ओके, तो वी कॉल दिस यूनिफॉर्म. हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. नाउ एक्सरसाइज आई. एक्सरसाइज आई, राइट इन वन लाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इन योर लाइफ. ओके, आपको इन पर वन वन लाइन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको इन पर आपको वन वन लाइन लिखनी है, है ना? तो जैसे इनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देखते हुए आपको इन टॉपिक्स पर वन वन लाइन लिखनी है. एयर, ए आई आर, एयर. एयर मीन्स हवा.
तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन योर लाइफ? एयर की आपकी लाइफ, एयर का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव. हमें सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. ओके, तो एयर की आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है. नंबर टू इज वाटर, WATER, वाटर. वाटर मीन्स पानी. तो पानी की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, है ना. पानी की हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. जैसे पानी हमें किसके लिए? पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, है ना. प्लांट्स में पानी देने के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, एनिमल्स के लिए ड्रिंक करने के लिए, है ना, नहाने के लिए, और प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वी कांट लिव विदाउट वाटर. नाउ नंबर थ्री इज क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स. क्लोथ्स मीन्स कपड़े. क्लोथ्स मीन्स कपड़े. क्लोथ्स PROTECT प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हीट मीन्स धूप, कोल्ड मीन्स सर्दी. जो कपड़े हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे सर्दी होती है तो हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, बारिश से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, है ना. तो ये क्लोथ्स हमारी इन सभी चीजों से, डस्ट से, धूप से, इन सब से हमारी प्रोटेक्ट करता है. सो क्लोथ्स की आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है. नाउ नंबर फोर्थ इज फूड. नंबर फोर्थ इज फूड, FOOD, फूड. फूड मीन्स भोजन. फूड मीन्स भोजन. फूड मीन्स भोजन होता है, खाना. फूड, FOOD, फूड. गिव्स, GIVES, गिव्स अस एनर्जी, ENERGY, एनर्जी. ANDI, एंड. HELP, हेल्प अस टू ग्रो. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है और हमें ग्रो करता है. ठीक है, हम किससे ग्रो करते हैं? हेल्दी फूड खाने से. हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो ग्रो करेंगे, है ना. इन सब से हम ग्रो करते हैं. तो वी रिक्वायर टू फूड टू ग्रो एंड फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी, शक्ति देता है. ठीक है, हम जितने भी वर्क है, पूरे दिन भर जितने भी वर्क है, एक्टिविटीज है, हम होल डे में करते हैं, वो किससे मिलती है हमें? खाना खाने से, है ना. हमें वन डे में 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए और डिनर में क्या खाना, हमें अच्छे अच्छे हेल्दी फूड्स खाने चाहिए और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमें टाइम से करने चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज डू दिस एक्सरसाइज H&I इन योर बुक एंड ऑल्सो नोटबुक. आपको ये बुक में भी करनी है और कॉपी में भी आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड ऑल्सो लर्न इट. ओके, थैंक यू.